हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर और महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो निर्णय आया है रेलवे को लेकर, रेलवे मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है और इसी लाइफलाइन को लेकर आज एक निर्णय आया है। निर्णय ये आया है कि सर्व सामान्य लोगों के लिए जो है लोकल सेवा होती है वो उपलब्ध की जाएंगी। हमारे साथ जुड़े हैं रेल यात्री संगठन के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता। आइए हम सीधा बात करते हैं उनसे, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है और क्या निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के लोकल सेवा को लेकर। आज अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल में सामान्य मुंबई करों को 1 फरवरी से जो है मुंबई में लोकल प्रवास की अनुमति दी है। निश्चित ही इसका रेल यात्री परिषद स्वागत करती है, किंतु जो समय दिया गया है वो समय जो है सामान्य यात्रियों के लिए निश्चित ही अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो समय जो है दोपहर को 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक का है और दूसरा जो समय है वो रात को 9 बजे से अंतिम जो है लोकल का है और तीसरा जो समय है सुबह सुबह जो है लोकल शुरुआत से और सुबह के 7 बजे तक का। ये जो समय है वो समय जो है निश्चित ही जो कामगार वर्ग है, विशेष करके मुंबई का MMR रीजन का जो यात्री है, विशेषतः जो है बोरीवली से ढाणू थाने से लेकर कर्जत कसारा पनवेल तक का जो यात्री, हमारा जो MMR रीजन का जो कामगार है, जो लोकल जो काम करता है, जो निजी क्षेत्र में कार्यालयों में काम करता है, उसके लिए जो समय है वो समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है उन लोगों को नहीं हो रहा है, जबकि उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। 3-3 घंटा जो है बसों के लिए इंतजार में जो है उन्हें इंतजार करना पड़ता है, करीब 1.5 से 2 घंटा जो है मुंबई में आने के लिए जो है उनको बहुत बुरी स्थिति में जो है बस और ST का प्रवास करना पड़ता है। सही देखेंगे तो उन्हीं लोगों को राहत मिलने की आवश्यकता थी, लेकिन आज का निर्णय जो हुआ है उस निर्णय में जो समय दिया गया है वो समय से जो है उन MMR रीजन के यात्रियों को उसका कोई भी लाभ, किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो यात्री है जो बहुत दूर से आते हैं उनको राहत मिलने की आवश्यकता है, समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा एक सुझाव है मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि जो कार्यालयों का समय है, जो ऑफिसेस का समय है, उसमें बदलने की आवश्यकता है। वो शुरुआत जो है इस विषय को जो है मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लेनी चाहिए और शुरुआत में जो है अपने उनके जो कार्यालय है, जो सरकारी कार्यालय, उनका समय बदली करना चाहिए और साथ ही साथ जो है निजी जो कार्यालय है उस कार्यालयों के बदली करने का आदेश जो है मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं एक और अपने मुंबई के 85 लाख रेल यात्री को निवेदन करना चाहूँगा, एक अच्छा मौका जो है करीब 10 महीनों के बाद जो है हमारी अपनी मुंबई लोकल में प्रवास की अनुमति मिली है, निश्चित ही उसका हम लाभ लेंगे। बड़े अनुशासन के साथ जो है हम मुंबई की लोकल में प्रवास करेंगे, किसी प्रकार की गर्दी होने नहीं देंगे, किसी प्रकार की भीड़ हम होने नहीं देंगे, हम संयम के साथ में इस लोकल का लाभ लेंगे और साथ ही साथ किसी प्रकार से किसी स्थिति में मुंबई है और मुंबई के MMR रीजन में संक्रमण बढ़े नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम सभी 85 लाख रेल यात्री लेंगे। निश्चित ही मुझे लगता है कि जो उद्देश्य के साथ में ये मुंबई की लोकल बंद की थी और जिस उद्देश्य के साथ में इस लोकल को शुरुआत की है उसका पूरा पूरा फायदा जो है हम मुंबई करों को होगा, ऐसे हमें लगता है। रेलवे तो सर्वसामान्य लोगों के लिए शुरू कर ही दिया गया है, लेकिन वो शेड्यूल बेस चल रही है जैसे कि हमारी खबर है, तो आपको ये नहीं लगता कि सरकार एक तरफ का सर्वसामान्य लोगों को लॉलीपॉप दे रही है? जो समय सीमा दी गई है निश्चित ही बहुत ही स्थिति खराब है, उस समय सीमा में बहुत ज़्यादा लाभ जो है मुंबई करों को नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। 10 महीने के बाद जो है सामान्य मुंबई करों को अपनी मुंबई लोकल में प्रवास की जो अनुमति मिली है, निश्चित कहीं वो समय ठीक नहीं, अनुकूल नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। इस शुरुआत का हम रेल यात्री परिषद स्वागत करते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है ये ट्रायल है, इस ट्रायल में यदि हम संयम के साथ में इस मुंबई लोकल की सेवा का उपयोग करते हैं तो आने वाले समय में 10-12-15 दिन के बाद रेल प्रशासन और राज्य सरकार जो है निश्चित बाध्य होगी सभी सामान्य लोगों को और पूर्ण समय जो है रेलवे का प्रवास करने की अनुमति दी जाएगी। मुंबई के रेलवे अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि सर्वसामान्य लोगों के लिए अभी जो शुरू हो गई है, भले शेड्यूल ट्रेन हो गई लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने संभावना जताई है
कि 15 से 20 दिनों के अंदर ये सर्वसामान्य लोगों के लिए हो जाएगी। ये सिर्फ एक पहल है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मैं भवानी झा, DRV न्यूज़, मुंबई।